आंगन गांव झिरन्या से शासकीय भूमि पर से सख्ती से हटाया अतिक्रमण, सख्ती से चला प्रशासन का बुलडोजर, 4,55,000 रुपए की शासकीय जमीनों को करवाया अतिक्रमण मुक्त। खरगोन जिले के झिरन्या में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही एंटी भू माफिया ऑपरेशन के तहत शासकीय जमीनों पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई एसडीएम ओम नारायण सिंह, तहसीलदार दिवाकर सुलिया, एसडीओपी प्रवीण कुमार उइके अतिक्रमण मुहिम को देखते हुए झिरन्या में अफरा तफरी का माहौल रहा। करीब 4-4 जेसीबी से झिरन्या बस स्टेशन तहसील कार्यालय के पास के पक्के अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण मुहिम का विरोध करते हुए दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई को काला कानून करार दिया। दुकानदारों का कहना कि सरकार भू माफियाओं पर कार्रवाई करे। झिरन्या में अतिक्रमण की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4,55,000 रुपए की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आप भी प्रभावित है, आपके दुकान क्या है? हमारी पूरे से मतलब 35-40 सालों से ये दुकान है, जिसमें हमारा परिवार का पालन पोषण जो है इसी से ही, मतलब मेरे 4 भाई थे, उनमें से 3 शांत होने के बाद में इसी दुकान में से उन बच्चों को मैंने आज बड़ा किया है, और वही दुकान आज मेरी आज टूट रही है, और मेरी अंदर मतलब कुछ भी नहीं। आज ये स्थिति, या तो मैं मर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तुम, ये जो भी गाँव में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसको काला कानून कहते हैं, इसको सिर्फ काला कानून कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। सरकार द्वारा दुकानदारों को भू माफिया कहकर दुकानें तोड़ी गई है, आप क्या कहेंगे सरकार? अरे भू माफिया नहीं, हम रोटी माफिया है। हमको रोटी नहीं मिल रही है, हमको रोटी दियो। भू माफिया कौन है उनको देखो। ग्राम पंचायत ने आपको एक दुकानें लीज पर दी थी? लीज पर दी है, आवंटित की है। क्या किराया देते थे आप? हम किराया दे रहे हैं उनको 363 रुपए। सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अभियान चला जा रहा है, क्या लगता है सरकार आम जनता के साथ ज्यादती कर रही है? बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है। लोगों को रोजगार से बेरोजगार करने के लिए सरकार सबसे मतलब बहुत काम कर रही है, ताकि मतलब लोग रोड पे आ जाए। इस कार्रवाई को आप सभी दुकानदार और क्षेत्रवासी क्या समझते हैं? बस काला कानून समझते हम, ये काला कानून है। परमजीत सिंह, पूरा नाम क्या लिखते? परमजीत सिंह। सर, प्रशासन द्वारा लगभग कितनी भूमि और कितने की लागत की जमीन हटाई गई अतिक्रमण मुक्त की? ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5,000 वर्ग फीट की जमीन अतिक्रमण मुक्त की है, जो लगभग 1 से 1.5 करोड़ कीमत की है। 1 से 1.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण का? जी, तो उसमें कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार चलते रहेगी। सर, आरोप लग रहा है कि ये तहसील परिसर, आपकी तहसील परिसर में कुछ लोगों को नोटिस जारी किया, लेकिन वहाँ पर आपके द्वारा छोड़ दिया गया है, तो क्या आम जनता के साथ पक्षपात किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि स्थानीय पटवारी ही अतिक्रमण करवा रहे हैं लोगों को, ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। हमें ऐसा होगा तो जांच होगी इसकी। 5 तारीख को जहां लाइनिंग की गई थी, उन लाइनिंग के आधार पर अतिक्रमण नहीं टूटा है गांव में। ये जो है 52 फीट का गोला है, 26-26 फीट दोनों तरफ लिया गया है, उसी आधार पर जो है अतिक्रमण तोड़ा गया है। सर, प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, क्या ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एंटी माफिया अभियान के तहत ही कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एंटी माफिया अभियान के तहत ही ये मुहिम जो है शासकीय भूमि पर या अस्पताल, स्कूल या वो बहुत अति महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थानों, महिलाओं से रिलेटेड सुरक्षित स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए व्यक्तियों के विरुद्ध है। कितने की लागत की भूमि होगी सर अतिक्रमण मुहिम? अभी तक जो मेरे को बताया गया है, जो अतिक्रमण दस्ता है जो कार्य कर रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ बताया गया करीब लगभग 1.5 करोड़ लगभग की अभी तक तो हो गई है मुक्त भूमि, और भी कुछ भूमियाँ हैं जो शायद अभी शाम तक वो बताएंगे पूरा मेजरमेंट करके। सर, देखने में आता है कि प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन एक और अतिक्रमणकारी वापस अपने पैर जमा लेते हैं, तो उसके लिए क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है? हाँ, क्यों नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो माफियाओं से या कोई ऐसे दादागिरी से अवैध कब्जा किया उस व्यक्ति से अगर जो भूमि मुक्त होती है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करें, ताकि वो प्रशासन के किसी न किसी कार्यों में उसका उपयोग हो जाए। तो ऐसा ये तो है टॉप प्रायोरिटी पे काम। सर, भिकनगांव के झिरन्या के अलावा बमनाला और भिकनगांव जैसे इन जगह पर कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, क्यों नहीं, जहाँ भी राज्य सरकार से जो भी निर्देश मिलेंगे जिस जगहों के लिए भी, वहाँ पर कार्य प्रशासन करता है। हमारा काम है राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना, तो मैं SDOP साहब, CO साहब भी इन्हीं निर्देशों के अंतर्गत वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि व्यवस्थित हो। सर, मुहिम में आप अभी तक कितने की लागत की अतिक्रमण हटाएगा? हाँ, अभी तक तो लगभग 1.5 करोड़ के लगभग हो गया होगा, मतलब जो अनुमान है। एक तो बड़ा ही अतिक्रमण था जो
बिल्डिंग भी थी और बहुत बड़े एग्रीकल्चर लैंड सा बना रखा था उसने, कुछ हेक्टेयर ज़मीनें थी मुख्य मार्ग की। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री फार्म, तो ऐसा वो वैल्यूशन हमको शाम तक हमारे स्थानीय प्रशासन तहसीलदार साहब दोनों मिलके बताएंगे कितना क्या हुआ, तो उस फिर हम आपको फाइनल बता देंगे। सर, प्रशासन बड़े भूमापियों तक नहीं पहुंच पाया अभी, ऐसा कोई कारण या दबाव? नहीं, जो भी हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसे कोई भूमाफिया हमको अगर आइडेंटिफाई आप भी करवाते हैं और उससे संबंधित हमको लीगल राइट्स या कोई पेपर वगैरह मिल जाते हैं, तो हम तुरंत विधि अनुसार उनको करेंगे। सर, झरना तहसील परिसर में कुछ लोगों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने दो दो तीन तीन मंजिला मकान बना रखे, हाँ, प्रशासन ने अभी उन्हें छोड़ दिया गया है? नहीं, अभी ऐसा किसी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अभी शाम बाकी है, तो प्रशासन कुछ ना कुछ, अब जो लोग हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ का नॉलेज है नहीं है, मैं और एस डी पी साहब को, तो हम तो उस हिसाब से तो वो आइडेंटिफाई करेगा, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसने बलपूर्वक किया किसी तरीके से शासकीय भूमि को कब्जा कर रखा है। अगर पहचान चिन्हित है तो संभवतः प्रशासन अभी जो हमारे और जो दस्ता है जिनको नॉलेज है, जिसको विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वो लोग उस कार्रवाई को करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव जिला खरगोन से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।